हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से चेक करके फैन के वाइंडिंग में कैपेसिटर लगाना। तो जिस वाइंडिंग पे सबसे ज़्यादा बल्ब ग्लो करेगा उसमें फेस न्यूट्रल देंगे, जिस वाइंडिंग पे कम बल्ब ग्लो करेगा उसमें कैपेसिटर का वायर कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से चेक करेंगे। तो ब्लैक और ब्लू पे बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है, इसमें फेस न्यूट्रल देंगे, और ब्लैक और वाइट पे बल्ब बहुत कम ग्लो कर रहा है तो इसमें कैपेसिटर का वायर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद वाइट और ब्लू पे चेक करेंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा बल्ब ग्लो कर रहा है तो ब्लैक और वाइट पे कैपेसिटर का वायर कनेक्ट कर देंगे, और ब्लैक और ब्लू पे फेस न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने ब्लैक और वाइट में कैपेसिटर का वायर कनेक्ट कर दिया हूँ। इसके बाद ब्लैक और ब्लू में फेस न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, तो ब्लैक वाले में मैं न्यूट्रल कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्शन अच्छा से टाइट कर लेंगे, लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ब्लू वाले में फेस का वायर मैंने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद तीनों को अच्छा से टेप लगा देंगे। तो मैंने ब्लू और रेड वाले को टेप लगा दिया, एक एक करके तीनों में टेप लगाएंगे अच्छा से। ये टेबल फैन काफ़ी स्लो चल रहा था तो इसका मैंने कैपेसिटर चेंज किया। इसके बाद इसमें सप्लाई देकर देखेंगे फैन किस कंडीशन में चल रहा है। तो तीनों वायर पे अच्छा से टेप लगा लेंगे। तो मैंने तीनों वायर पे अच्छा से टेप लगा लिया। इसके बाद स्विच बोर्ड में लैपटॉप को लगाएंगे और सिंगल फेस का सप्लाई देंगे। तो प्लग टॉप को हमने लगा लिया स्विच बोर्ड में। इसके बाद स्विच को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं स्विच ऑन करते ही फैन अच्छा कंडीशन में चल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।